2016-17-18 में कि चलो हमको ये चीज़ करना है, लगे रहे करते गए, बहुत सारा दिक्कत परेशानी आया। लेकिन आज देखिए मेरे पापा का दरवाजे पे लगा हुआ रहता है टेम्पू, लोग आता है और वो क्या होता है उसको रिजर्व जो करता है, पहले से बुकिंग जो करता है ना, उस तरह से यहाँ जाना है आपको टेम्पू से, तो वहाँ कार देखेगा लगा हुआ तो बोलेगा कि जैसा करिए ना कुछ पैसा ले लीजिए, कार से हमको छोड़ दीजिए। तो मेरा मानना क्या है कि मेरा गाड़ी सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वैल्यू के लिए आया, स्मार्ट वैल्यू में ही आएगा। यस सर। लेकिन पापा को परेशान करेगा क्योंकि पापा ड्राइवर है, सब एनी टाइप का जैसे भी ले लीजिए, रोलर ले लीजिए, स्कॉर्पियो ले लीजिए, एनी टाइप का गाड़ी पापा चलाना जानते हैं, तो लोग उनको बोलेंगे। तो अभी हम और मेरा भाई क्या सोचे हैं कि दोनों बढ़िया से मेहनत करेंगे और पापा को एक स्कॉर्पियो दे देंगे, लीजिए आराम से खूब चलाइए और खूब पैसा कमाइए, क्योंकि ड्राइवर है, उनके अंदर कला है, वो कर सकता है कि नहीं है। ये सब हम लोग सोचते हैं, बस एक ही चीज़ है कि स्मार्ट वैल्यू में सिर्फ कंप्यूटर एजुकेशन ही नहीं दिया जाता है। आप आए हैं हवाई चप्पल में, आप हम लोग की तरह एक अच्छा ड्रेस कोड भी मेंटेन कर पाएंगे, बस आपको टिके रहना पड़ेगा। आप आए हैं साइकिल से, जिस साइकिल में आपको हो सकता है किसी को चेन कवर भी नहीं होगा, पंचर यदि हो जाता होगा तो 3-4 दिन तक पंचर नहीं बनाते होंगे, कभी कभी घर में ऐसा स्थिति आ जाता है, आता है कि नहीं आता है, कभी कभी पंचर बनाने के लिए मम्मी पैसा नहीं दे पाती है, बोले कि दूध बेच रहे हैं पैसा आएगा तब ना देंगे, गेहूँ बेचेंगे तब ना देंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता है। लेकिन यदि आप स्मार्ट वैल्यू करेंगे, 1-6 महीना 3 महीना दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में काम करेंगे, जब तक आपके पास अनुभव काम का नहीं आएगा तब तक आपको दिक्कत आएगा, परेशानी आएगा, पैसे की परेशानी आएगा। लेकिन आप लगातार बार बार यदि आप मेहनत करेंगे, हम स्कूटी मेंटेन कर पाए अच्छे से, आप भी कर पाएंगे। मेरा सपना पूरा हुआ है स्कूटी का, तो आपका भी सपना पूरा होगा। कौन कौन लड़की में चाह रहे हैं कि आपका स्कूटी है, सबका सपना है, उस सपना को पूरा करने के लिए सब तैयार हैं, प्रॉब्लम को झेलने के लिए, अरे तैयार हैं, परेशानी से लड़ना है कि डरना है, क्या करना है, लड़ना है कि नहीं है। मम्मी मना करेगी तो क्या करेंगे, कबल होकर के सो जाएंगे, तब रजाई होकर करके तब क्या करेंगे, तब आपको काम करना पड़ेगा। क्यों, यदि आप अच्छे से काम करेंगे तो आज हमारा एग्जाम्पल और सब सर लोग दे रहे हैं, कल आप भी यहाँ पे उदाहरण बन पाएंगे। अरे यस या नो, क्या लड़का लोग को अपाची नहीं लेना है, पापा कहीं पुराना वाला बाइक पे घूमना है, अरे क्या करना है, साइकिल पे ही रहना है, सपना है तो 100% पूरा होगा। लेकिन बस एक ही चीज़ है, आप देखेंगे यहाँ पे राजकुमार सर इसी काम को करके आज कार का मालिक है कि नहीं है, आज इसी काम को करके कोई सर लोग थाईलैंड गए हैं, कोई बोनस ले रहे हैं, अभी 3-4 दिन 5 दिन पहले जो जो सिल्वर बने हैं, जो जो गोल्ड बने हैं, सबके खाते में बोनस आया। आप नहीं चाहते हैं कि मम्मी को दीपावली में साड़ी दे, पापा को एक अच्छा कुर्ता दे, नहीं चाहते हैं, अरे चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये सब शौक नहीं है, पापा से ही हमेशा मांगते रहे, क्या करना है, ये सब आपको अपना अंदर सोच डालना पड़ेगा। जो आदमी सोच बड़ा रखता है उसी का काम होगा, जिसका सोच छोटा छोटा होगा उसका काम नहीं होगा। यदि 2017 में हम नहीं सोचे होते हमको स्कूटी लेना है, लैपटॉप लेना है, अच्छा काम लेना है, अच्छा घर बनाना है, तो यहाँ आज नहीं रहते, स्कूटी लेकर के गायब हो जाते। लेकिन स्कूटी लिए एक और मन बना लीजिए, क्या लेना है, कार लेना है। कार ऐसे नहीं आया, कार लेने टाइम ही बहुत सारा प्रॉब्लम आया। पापा का कहना था कि सहरसा में ज़मीन नहीं है, तुम लोग 10 साल से रेंट पे रह रही हो, और 3,000 से 5,000, कभी 3,000 महीना रेंट देते थे फ्लाइट में, कभी 5,000 देते थे। पापा कहते थे कि इतना पैसा रेंट में 10 साल में दे चुकी हो, यदि कार को छोड़ करके यदि ज़मीन ले लेगी, एस्बेस्टर भी खपड़ा भी दे देगी, टीना भी दे देगी, तो अपना घर होगा, नहीं लेना है कार। गार्जियन को कैसे समझाए हम ही जानते हैं, किसी तरह कन्विंस किए, क्योंकि हमको काम को बढ़ाना था, स्कूटी पे ही नहीं रहना था, हमको शौक था कि हम अपने से कार चलाएं। बहुत सारी दीदी लोग को देखते थे, जैसे आराम से एसएमई सक्सेना दीदी का वीडियो आया था ग्रुप में, फोटो आया था, उसके बाद प्रियंका दीदी का आया था, प्रीति दीदी का आया था ग्रुप में, उन लोग का जो कार का फोटो देखते थे ना, अंदर एकदम आग लगता था कि हम भी तो यही कर रहे हैं, हमको भी लेना है। और ये चीज़ पापा नहीं समझते थे, पापा क्या बोलते थे, या तो शादी कर लो या ना तो ज़मीन ले लो, कार लेकिन मत लो। लेकिन फिर भी किसी तरह घर को समझाएं कि ये चीज़ लेने से हमारा काम बढ़ेगा, हमारा और काम होगा। बोले सहरसा मधेपुरा करते हैं, स्कूटी से करते हैं, एकदम धूल कण पड़ जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, इतना ट्रेवलिंग नहीं कर पाएंगे स्कूटी से, किसी तरह कन्वेंस करके तब जाकर के पापा बोले ठीक है ले लो।
ऐसे नहीं हुआ, कोई रिश्तेदार वाला जानता था, प्रोफाइल में लगा ले रहते थे, कभी स्टेटस लगा लेते थे मेरे सपनों की रानी कब आओगी कार का लगा देते थे, तो उधर से कमेंट आता था बड़ा बड़ा सपना देखती यहाँ से कुछ होने वाला नहीं, नहीं होगा। उस टाइम में कार के भी टाइम में कितना लोग को तो स्कूटी लिए फिर भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि अमित सर जी बोलते हैं ना कि आप यदि काम करेंगे तो आपको काम करने के टाइम में कुछ लोग कुत्ता के पूछ के समान आएगा, उसको कतबो घी तेल लगा दीजिए कभी सीधा नहीं होगा, नहीं होगा। सेम उसमें भी हम लोग के भी रिश्तेदार में परिवार में कुछ लोग ऐसा था, स्कूटी देख लिया इतना सारा घर में, मम्मी को कभी कुछ दे देना, कभी बहन को टीचर मांग रहा है पैसा दे देना, पढ़ाई में दे देना, 5,000 का फ्लाइट लेकर के रहना, ये सब कुछ कुछ रिश्तेदार पड़ोसी जान रहा है, लेकिन फिर भी क्या बोल देता था, निगेटिव क्या कर किए, उसके बातों को सुनते ही नहीं थे। सर का एक ही चीज़ याद रहता था कि ये सब कुत्ता के पूछ के समान, ये कभी सुधरने वाला नहीं है, इन लोग के चक्कर में रहेंगे तो कभी जिंदगी अच्छे जगह नहीं जाएगा। बस एक ही चीज़ है, अपना काम पे फोकस करेंगे, मेरा जो टारगेट है, मेरा जो गोल है, मेरा जो लक्ष्य है, उस पर फोकस करेंगे, बस इस साल कार लेना 2023 में किसी भी हाल में हमको कार चाहिए तो चाहिए। और सबसे अच्छा चीज़ क्या है, उस दिन मेरा जन्मदिन था, जैसे जैसे हम 6 महीना पहले लिखे थे अपना येलो कलर का पेज में रेड पेन से कि कार लेंगे 4 मई को मेरा जन्मदिन हो है उस दिन, अच्छा सा केक काटेंगे, मेरी दादी रहेगी, मेरे पापा, मेरी मम्मी और हमारे सारा सीनियर, चाहे आप वो भरत सर को ले लीजिए, ये रिकी सर को ले लीजिए, मनु सर को ले लीजिए, अमित सर को ले लीजिए, और क्या है, जो भी जितना भी हम लोग के सर लोग थे, हम सबका लिस्ट बना लिए और 2 दिन पहले ही सबको फ़ोन करते थे कार लेने से पहले कि सर आपको आना होगा, जिसको जिसको हम जानते थे अच्छे से सबको कॉल करते थे, कौन सी के लिए, ताकि आएगा सर लोग के साथ हम भी फोटो खिंचाएंगे और सब लोगों का देखते थे। और ये सारा चीज़ जो है हम 6 महीना पहले ड्रीम बनाई थी कि लेंगे इतना तारीख को, कुछ कुछ लोग बोलता है ना कितना तारीख को लिखे हैं डेट फेल हो जाता है, डेट हमारा तब फेल होता है जब हम काम नहीं करते हैं। जैसे सीनियर आपको टारगेट दिया कि आपको 4 इन्वाइट करना है, आपको पूरा सप्ताह ऐसे ही या बहाना मार करके टाइम पास कर देते हैं एक सप्ताह, आज यदि आप ऐसे करेंगे तो आपका कुछ नहीं आएगा, यदि आप अच्छे से मन लगा करके अपना टारगेट पे फोकस करेंगे और आप जो आपको टारगेट दिया जा रहा है उसको यदि आप कंप्लीट कर लेंगे तो 100% आपका भी ड्रीम पूरा होगा। अरे यस या नो? तो उस चीज़ को करना पड़ेगा, उस चीज़ को लगना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को देखेंगे अभी यहीं पर जो आए हैं, बहुत सारे लोग ड्रेस कोड मेंटेन नहीं करता, हम लोग को जब बोला गया था ना ड्रेस लेने के लिए तो पैसा नहीं था, उस टाइम कमाते ही नहीं थे, पैसा ही नहीं आता था, फिर भी बोला जाता था ड्रेस लेने के लिए, यदि उस टाइम ड्रेस ठीक नहीं करते तो शायद हम भी इतना आगे नहीं बढ़ पाते, पैसा नहीं है फिर भी ड्रेस लेना है, क्या करना है, पापा से मांगे, पापा क्या बोले, तुरंत दिए 18,000 रुपया एडमिशन में, तुरंत ड्रेस लेके कहाँ देंगे, आप लोग को भी दिक्कत आता है कि नहीं आता है, रूम रेंट भी दे रहे हैं पैसा देंगे ड्रेस के लिए, नहीं तो मिलता था, फिर हम लोग सीनियर के पास बैठते थे सर क्या करें, मांग रहे हैं पापा से पैसा नहीं दे रहे हैं, तो सर एक बोला जाता है ना कि सारा आपका बीमारी का इलाज आपके सीनियर के पास रहता है कि नहीं रहता, yes। हम भी अपने सीनियर के पास बैठते थे, सर हमको अच्छा ड्रेस लेना है पर पापा नहीं मान रहे हैं, बोले 10 दिन रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ, धान बेचने दो, गेहूँ बेचने दो, उसके बाद मिलेगा, तो सर बोलते थे कि तुम बोलो कि हम एक क्लास ज्वाइन किए हैं कंपटीशन का, उसने 2500 मांग रहा है, मिलेगा क्लास वाला को 500 दे देना, 2000 का ड्रेस ले लें। यदि उस दिन उस लॉजिक को बोलते कि सीनियर हमारा झूठ बोलने सिखा रहा है, क्या हम आगे बढ़ पाते, अरे बढ़ पाते, सर बोले पहले सबसे पहले आप अपना होलिया को चेंज करिए, क्या करिए, अपने होलिया को चेंज करिए, तो हम क्या किए, अपने आप को चेंज किए, यदि नहीं करते तो क्या आगे बढ़ पाते, अरे बढ़ पाते, नहीं बढ़ पाते, अपने आप को सबसे पहले चेंज किए। और सबसे मोस्ट चीज़ क्या है, काम करिएगा, कभी जिस टाइम में काम नहीं होगा उस टाइम में जब आपको सीनियर समझाएगा वो बात तो आपको मिर्जा की तरह लगेगा, सच बता रहे हैं आपको, हमको भी लगता था, यदि ऊपर से काम नहीं हो रहा दूसरा सीनियर समझा रहा है डांट भी दे रहे हैं उस टाइम में खराब लगता था, यदि सोचिए उस दिन भाग जाते तब क्या होता, अभी हमारा जो कार का आप लोग जो फोटो दिखाते हैं क्या दिखाते, ऐसा नहीं कि लड़कियाँ कार नहीं ले सकती थी और लड़की का दिखाते, लेकिन आप मेरा नहीं दिखाते, मेरा पहचान छीन जाता, मेरा पहचान नहीं बन पाता। उस दिन एक ही चीज़ सीनियर लोग बोलते थे कि दवाई जिस तरह खाने में
तीता लगता है, लेकिन आप अंदर आपके अंदर जाता है तो वो आपके शरीर को स्वस्थ करता है, आपकी बीमारी को दूर करता है। सेम उसी तरह अभी आपका सीरियल का बात आपको कड़वा लगेगा, आपको खराब लगेगा, आपको लगेगा कौन बेकार में काम में आ गए हैं, एक तो काम नहीं हो रहा ऊपर से सीरियल भी दस बार सुना रहे, ऐसा आपको लगेगा। यदि आप उस चीज़ को अपने अंदर में हजम कर लेंगे तो 100% आप भी सक्सेस करेंगे। तो क्या आप अपने सीनियर के बात को 100% मानेंगे? अरे मानेंगे तो आपका भी काम होगा, बहुत अच्छा काम होगा, है कि नहीं है? बस एक ही चीज़ है, अपना सीनियर के बात को सुनना है, समझना है। हम भी अभी भी बहुत सारा चीज़ सीखते हैं, जब भी ट्रेनिंग हो या लीडरशिप ट्रेनिंग हो, अभी भी डायरी लेकर के बैठते हैं, बहुत सारा चीज़ सीखते हैं। अभी बहुत चीज़ सीखने के बाकी है, क्योंकि इस साल का टारगेट बहुत ही ज़बरदस्त है, इस साल पर्ल बनना है ना। और अपना भाई बहन को भी जो अभी इसमें हमारे पे विश्वास करके एडमिशन करवाया, उसको भी एक अच्छे जगह लेना है, उसको भी अचीवमेंट दिलाना है। तो ये सब हमारा सीनियर का, हमारा सर लोग का बहुत सारा दुआ है, आशीर्वाद है, और हमारे बहुत सारा टीम सब का और हमारे सारा लीडर्स का हमारा सपोर्ट है, जिसके वजह से हो पा रहा है कि नहीं है। तो बस एक ही चीज़ है कि आपको अपना सीनियर का बात को सुनना पड़ेगा, उनका लास्ट वर्ड मानना पड़ेगा। बाकी बात आगे को ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखने के लिए ऐसे शख्स को आप बुलाना चाहेंगे जो बहुत